सो किसी वक्त की आपकी जो ट्रेजेडी है, किसी वक्त का आपका जो जुल्म है, किसी वक्त की कहीं जो लग रहा होता है कि मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है, किसी वक्त में जो आपको लग रहा होता है कि जी अच्छा नहीं हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये बेटे बाद की जिंदगी में कहीं आपको पता लगता है कि ये बहुत अच्छा था। इसलिए एक जुमला आपकी नजर कर रहा हूं कि जहां अकल ना समझ पाए कि क्या है, वहां अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। जहां पूरा जोर लगा के समझ ना आए कि वाय मी, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वहां अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। ये कॉमन है कि एक बस की टिकट ना ना मिले तो बंदा कहता है मैं कितना बदकिस्मत हूं, लेकिन उसी बस का हादसा हो जाए तो बंदा कहता है मैं खुशकिस्मत हूं। अल्लाह कहता है मेरी रहमत मेरे गजब पे हावी है, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। रहमत की डेफिनेशन जो मैंने अपने उस्ताद वासिफ अली वासिफ साहब से सीखी है, पता क्या है? रहमत का मतलब है हक नहीं है वो फिर भी नवाजता है, हमारी औकात नहीं है वो फिर भी नवाजता है। बड़ा ख्वाब देखो, बड़ा सोचो, और बड़ा सोच के पूरी कोशिश करके उस पर तवक्कल कर लो, वो यकीनन नवाजेगा। खुद को कीमती बनाए, क्योंकि अगर आप खुद को कीमती बनाते हैं तो आप महंगे हो जाते हैं। जो सस्ता बिक रहा है वो सस्ता है, उसने अपनी वैल्यू खुद कम लगवाई हुई है। अगर वो महंगा होना चाहता है तो वो अपनी वैल्यू बढ़ाए, और अपनी वैल्यू बढ़ाने का तरीका ये, अपनी काबिलियत बढ़ाए, अपना हुनर बढ़ाए, अपनी सलाहियत बढ़ाए, अपने आप को महंगा करें।